मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, देश में चाहे कोई आपदा हो या फिर कोर्ट कचहरी का मामला हो, इसमें ऐसे में जमीयतुल उलमा हिंद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। लेकिन जमीयतुल उलमा हिंद का इसमें आपका साथ होना बेहद ही ज़रूरत है। जिस तरह से चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो या केस लड़ने का मामला हो, इसमें पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ती है और आपके दिए हुए पैसों से ही जमीयतुल उलमा इन सब कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आप अगर जमीयतुल उलमा हिंद को मदद करना चाहते हैं तो जमीयतुल उलमा हिंद का जो अकाउंट्स नंबर है, जो डिटेल्स है, वो सभी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर पूरी डिटेल ले सकते हैं। और हमारे साथ जमीयतुल उलमा हिंद के मुमरा कौसा के मौलाना वहाब कासमी हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि जमीयतुल उलमा किस तरह से जो है देश में और आगे काम करती है और जमीयतुल उलमा को अभी किस तरह की लोगों से मदद की उम्मीदें लगी हुई। क्या कहेंगे आप जिस तरह से जमीयतुल उलमा हिंद जो है इसे कितने बेगुनाहों का केस जो है वो लड़ रही है, ऐसे में जो है पैसों की भी इन्हें काफ़ी ज़रूरतें पड़ती हैं। देखिए, जमीयतुल उलमा हिंद अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी तंजीम है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, ख़ासकर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने जमीयतुल उलमा हिंद की शक्ल में हमारे मुल्क के लिए बनाया है। जमीयतुल उलमा हर उस मुसीबत के वक्त खड़ी होती है, मुल्क के ऊपर कोई भी मुसीबत हो, मुसलमानों के ऊपर कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ हो, जमीयतुल उलमा के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुम खड़े होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर के अक्सर मसाइल को वो हल करवाते हैं। तो ये तंजीम अक्सर रिफाही काम करती है, फलाही काम करती है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत की ये तंजीम है, ख़ासकर उन बेकसूर लोगों को जो गलत तरीके से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में या और किसी भी तरीके से मुल्क के अंदर फितना और फसाद करने के झूठे इल्ज़ाम में फंसाए जाते हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा उस वक्त खड़ी होती है, हुकूमत के हुकूमत से आँख लड़ा करके जमीयतुल उलमा उनके केस को लड़ती है, फाइट करती है और उनको बाइद्दत भरी करवाती है। ये ऐसी तंजीम है कि जब भी कोई भी आफत आती है तो मुसलमानों के लिए खड़ी होती है और खड़े होकर के मुसलमानों के मसाइल को हल करती है। आप जानते हैं तंजीमें जो चलती हैं वो आप तमाम ही हजरात के ताउन से चलती हैं। लोग अपनी ज़कात को, अपनी अतियात को, अपने सदकात को देते हैं और उसी के ज़रिए से तमाम काम किए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर तकरीबन 58 मुकदमात ऐसे हैं जो निचली अदालतों में जमीयतुल उलमा लड़ रही है मुसलमानों के लिए। किसी के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है और किसी के ऊपर मुल्क से बगावत का इल्ज़ाम है, जो झूठे इल्ज़ाम लोग लगाते हैं और वो बेचारे परेशान होते हैं, आकर के जमीयतुल उलमा से राब्ता करते हैं। मौलाना साहब, यही पूछना चाहेंगे कि अब तक जमीयतुल उलमा हिंद ने ऐसे कितने बेगुनाहों को जेल से छुड़ाया है, कितने लोग जमानत पर बाहर आए हैं, कितने लोग बेगुनाह साबित हुए हैं और कितने केस सुप्रीम कोर्ट में हैं, कितने केस जो है निचली अदालत में हैं। देखिए, 2020-2021 इसकी जो मैं आपको डिटेल इसकी मैं बता देता हूँ कि मुल्क की मुख्तलिफ निचली अदालतों में 58 केस जमीयतुल उलमा अब तक लड़ रही है, आज की तारीख में लड़ रही है, और मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनकी तादाद 31 है और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमीयतुल उलमा 10 केस लड़ रही है जो अब भी चल रहे हैं और कुल मुल्ज़मीन जो हैं 615 लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है, 615 लोगों के केस लड़ रही है। इस साल बाइद्दत 248 लोग बरी हो चुके हैं और 100 लोग जमानत पर रहा हैं। ये जमीयतुल उलमा की कोशिश है, जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की दुआएं हैं, गुलजार आज़मी साहब की मेहनत है, मौलाना हलीमुल्ला साहब, मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी, इन तमाम लोगों की कोशिशों से अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा काम जो जमीयतुल उलमा से ले रहा है। तो अब इतने बड़े काम को पूरा करने के लिए माली
ताउन की ज़रूरत होती है। गुज़िश्ता साल पूरा साल लॉकडाउन में चला गया। जमीतुलमा ने ऐलान कर दिया कि भाई अभी इस साल जो है चंदा वो मदरसे वालों को दो, क्योंकि मदारिस की ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब एक साल हो गया, दूसरा साल, ये मुकदमात तो चलते रहते हैं और पैसे तो लगते रहते हैं। अब हम लोगों से, अपनी कौम के लोगों से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि जमीयतुल उलमा की ताउन करें और मदरसों की ताउन करें, दीनी इदारों की ताउन करें, ख़ासकर मदारिस की ताउन करें। मदारिस ये दीन के किले हैं। अगर ये मदारिस बंद पड़ गए तो हमारा इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा। साथ साथ जमीयतुल उलमा हिंद का ताउन करें, क्योंकि ये मुकदमात लड़ती है और ये मुकदमात बारह महीने चलते रहते हैं। इनमें ख़र्चा होता है, इनमें पैसा लगता है। अगर फ़ंड नहीं रहेगा तो ये मुकदमात मुतासिर होंगे और जमीयतुल उलमा को भी परेशानी होगी। तो आपने सुना है कि जिस तरह से जो मुकदमे हैं उन्हें लड़ने के लिए पैसों की बेहद ही ज़रूरत पड़ती है, और जितने भी बेगुनाह थे अब तक, जैसे कि मौलाना साहब ने बताया कि जमीयतुल उलमा हिंद ने करीब 248 लोगों को अब तक जो है बाइज्जत बरी करवाया है, और करीब 100 लोग जो है अब जमानत पर रिहा हुए हैं। और देश में भी कहीं ना कहीं अगर कोई भी आपदा आती है ऐसा, तो जमीयतुल उलमा हिंद जो है वहाँ पर मजबूती के साथ खड़े रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यहाँ पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और ये तंजीमें जो है आपके दिए हुए चंदे के ज़रिए ही लोगों की आगे बढ़ चढ़ कर मदद करती है, इसलिए आपका साथ देना बेहद ही ज़रूरत है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।